sine of sine inverse of x, this will be x. Cos of cos inverse of x, this will also be equals to x. Tan of tan inverse of x, ये भी क्या आएगा x. अब बाकी भी बोलना चाहते बाकी भी बोल सकते हैं कि cot of cot inverse of x, ये भी x होगा. Sec of sec inverse of x, ये भी x होगा. और cosec of cosec inverse of x, ये भी x है. लेकिन यहाँ पे f inverse कौन है? Sin inverse. तो साइन इसका मतलब ये तब होगा जब x माइनस वन से वन, ये तब होगा जब x माइनस वन से वन, ये तब होगा जब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगी. यहां भी x कैन बी एनी रियल नंबर, यहां पे x कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन रेंज माइनस वन टू वन, हियर x कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन माइनस वन टू. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम, ये लास्ट चीज जो थी हम लोगों ने बात की. तो ये रिजल्ट हमारे पास आया. ठीक है, अब जब ये रिजल्ट हमारे पास आता है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये कौन सा, ये पहली चीज पर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो लेकिन अगर मैं इस फंक्शन, अगर मैं फंक्शन लू y equals to sine of sine inverse x, तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? What will be the natural domain of this function? इस फंक्शन का नेचुरल डोमेन क्या होगा? ये बताएगा कितना आएगा? इस फंक्शन का नेचुरल डोमेन क्या होगा? माइनस वन टू वन. माइनस वन टू वन, गुड. माइनस वन टू वन होगा. ठीक है, इसका नेचुरल डोमेन माइनस वन से वन होगा. मतलब ये फंक्शन जो है एज ए फंक्शन, ये डिफाइंड ही माइनस वन से वन में, और ये पूरे माइनस वन से वन के लिए ही. ठीक है, ये साइन ऑफ साइन वर्स क्या है? एक्स. मतलब साइन ऑफ साइन वर्स हमेशा ही एक्स होगा. लेकिन जब मैं ये दूसरी प्रॉपर्टी, कौन सी, ये वाली, इसको यूज करता हूं, ये दूसरी प्रॉपर्टी इसे यूज करता हूं, इसमें क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स. ये भी x आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब साइन इनवर्स के किसमें होंगे रेंज. तो साइन इनवर्स की रेंज होती थी माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई. कॉस इनवर्स की रेंज होती थी जीरो से पाई. टेन एक्स की रेंज होती थी माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू. तो इस इंटरवल के लिए ये ऐसा रहेगा. ठीक है, इसी तरह से बाकी के सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स की भी बात कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्जर्व करने की बात ये है कि अब मैं अगर क्या करता हूं, अगर मैं ये फंक्शन अलग से लू, ठीक है, ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन इस ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, लेकिन अगर मैं यहां पे सिंपल फंक्शन भी ले लू, लेट से y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो बताओ इस फंक्शन का नेचुरल डोमेन क्या होगा?
अगर क्वेश्चन ये होता कि इस फंक्शन का मुझे सब डोमेन क्या आएगा, माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, नहीं आर 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 आएगा। क्यों आएगा? देखो सबसे पहले x जो है वो sin x के डोमेन में आना चाहिए जो क्या होता है r, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या आता है कि sin x की वैल्यू कि sin वर्स में sin x जा रहा है, sin x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होनी चाहिए। तो sin x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में कब आएगी? तो sin x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में तभी आएगी जब हम x कोई भी रियल नंबर होगा, क्योंकि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ sin x x sin x वैल्यू माइनस वन टू वन, तो यहां से भी क्या आ रही है r। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो भी आंसर क्या आएगा r। मतलब y equals to sin वर्स ऑफ sin x का डोमेन जो है वो है r। इसी तरह से अगर आप ट्राई करिए y equals to cos inverse of cos x का डोमेन क्या है, और इसी तरह से y equals to tan inverse of tan x का डोमेन क्या है। बताओ क्या क्या रहा है? सर cos x का भी आ रहेगा ना, cos x का भी आ रहा है, हां सर आ रहा है सबसे, हां सर हां सर हां सर हां सर। cos x का डोमेन r और cos x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में कब आती है? हमेशा। तो दोनों का इंटरसेक्शन r, tan वर्स ऑफ tan x, तो tan x का डोमेन, tan x का डोमेन क्या होगा? tan x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स लीविंग ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई टू, पाई बाय टू। और इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि tan वर्स, तो tan वर्स कब डिफाइन होता है? tan वर्स डिफाइन होता है व्हेनेवर tan x इज r, तो tan x इज r, tan x रियल कब देता है? अपने डोमेन में, तो भी आंसर यही आएगा। तो टोटल में के दोनों जगह से आंसर यही आ रहा है। तो r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, यहाँ पे r, यहाँ पे r। तो जरा ऑब्जर्व करो अब क्या हुआ कि यहाँ पे नेचुरल डोमेन, इसका नेचुरल डोमेन क्या है? r माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू, इसका आया r, इसका आया r। लेकिन ये जो हमें साइन वर्स और साइन एक्स जो दे रखा है वो आर आ रहा है, कॉस इनवर्स और कॉस एक्स भी क्या आ रहा है, इसका डोमेन भी आर आ रहा है। लेकिन ये एक्स जो हो रहा है उसे जीरो से पाई के लिए हो रहा है, इसकी वैल्यू एक्स हो रही है वो सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए हो रही है, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई, इसकी वैल्यू एक्स भी ऊपर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के लिए ही हो रही है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जितनी जिस चीज के लिए डिफाइन है हर एक के लिए x नहीं हो। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं लेट्स से, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन टू, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थ्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फाइव, ये वैल्यू मैंने आपसे पूछी। अब ये वैल्यूज अगर मैंने आपसे पूछी तो आपको मुझे बताना है कि ये क्या क्या है। अब क्या है कि पिछली प्रॉपर्टी देख के, कौन सी वाली प्रॉपर्टी देख के, सब बोलेंगे सर एक्स 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 एक्स, अगर ऐसे एक्स 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 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर थ्री आ जाना चाहिए, इसका आंसर टू आ जाना चाहिए, इसका आंसर थ्री आ जाना चाहिए, इसका आंसर फाइव आया ना। लेकिन ध्यान दो
ये जो 3 है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई नहीं करता है, इस कारण से ये सिंपल इक्वल टू एक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इस कारण से ये गलत है। इसी तरह से 2 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में नहीं आता है, इस कारण से आंसर यहां पे 2 लाना ये भी गलत होगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 जो है वो 0 से पाई, पाई कितना होता है 3.14 उसमें आता है, इस कारण से ये 0 से पाई आ रहा है तो ये जो 3 लिखा है वो सही। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई, इस कारण से ये लिखना भी गलत है, ठीक है। तो देखा आपने कि यहां पे क्या हुआ कि ये एक ये एक ये एक ये और एक ये, ये 3 स्टेटमेंट गलत हैं और ये वाला के स्टेटमेंट सही, क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में। लेकिन क्या बताओ, क्या ये डिफाइन नहीं होगा? क्या डिफाइन तो होगा, डिफाइन है तो कुछ ना कुछ वैल्यू भी आएगी। तो वो वैल्यू क्या आएगी, यहां वैल्यू क्या आएगी, यहां वैल्यू क्या आएगी, जो कि हमें तो सिर्फ कहां के लिए पता है, हमें पता है कि ये वैल्यू सिर्फ कहां से कहां तक के लिए आएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए आएगी, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने का एक तरीका है, ठीक है। एक तरीका थोड़ा सा बुकिश तरीका जो है वो बताता हूं, ठीक है। इसके लिए बताओ, 3 जो है 3 इज लिटिल बिट लेस देन पाई है ना, और ये पाई बाई टू से क्या है, बड़ा, वो है कि नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 3 माइनस पाई करता हूं, तो 3 माइनस पाई क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से लेके 0 हो जाएगा। तो मैं ये वाला जो पार्ट है 3 माइनस पाई, इसको मैं बोल देता हूं थीटा, ठीक है। इसको तो 3 माइनस पाई थीटा है, तो 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, पाई प्लस थीटा, 3 को पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा। लेकिन साइन इनवर्स कैसा फंक्शन था, इवन या ऑड, बताओ भाई, कल बताया था, लास्ट टाइम बताया था, सैटरडे को, ऑड फंक्शन, ऑड है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, हाँ, तो ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, हाँ। अब ये देखो, लेकिन अब ध्यान दो, हाँ। कि थीटा, थीटा किस इंटरवल में है, यहां पे थीटा जो है वो कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से लेके 0 के बीच में, जो माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में आ रहा है, और इस इंटरवल के लिए साइन इनवर्स और साइन एक्स एक्स हो जाता है, तो इस कारण से यहां पे आंसर हो जाएगा थीटा, और बाहर माइनस लगा तो माइनस थीटा। लेकिन थीटा कितना था, व्हाट वाज थीटा, थीटा वाज 3 माइनस पाई, अगर वो वैल्यू मैं यहां रख दूं ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस, इसका मतलब यहां पे इसका आंसर 3 नहीं, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पाई माइनस, दिस इज द राइट आंसर। ये 3 नहीं है, ये क्या है, पाई माइनस 3। अब देखिए कि ये सीधे एक्स कब आता है, जब ये माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू था, मतलब अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 1 होगा, 1 रेडियन, देख ध्यान रखना यहां जो 3 लिख रहा हूं मतलब 3 रेडियन है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 इज इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को लाइक करता है, ठीक है। लेकिन देख लो यहां पे क्या है, मैनिपुलेशन है, हर बार अलग अलग करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तो इसका कुछ जनरल तरीका रहता है, मतलब हम, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स और साइन एक्स हर एक्स के लिए डिफाइन होता है, लेकिन वो हर एक्स के लिए एक्स नहीं होता है, तो वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बाहर वो क्या होगा, इस कारण से हमारा अगला पार्ट में हम क्या करते हैं, हम ये फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। हम किस फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं, लेट्स स्टडी द फंक्शन वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है। इस फंक्शन का
सबसे पहले बताओ डोमेन क्या आया, डोमेन हमने निकाला था क्या था, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि यहां पर रेंज क्या आएगा, अब वाई क्योंकि साइन इनवर्स के बराबर है और साइन इनवर्स में वैल्यू पूरी कहां से कहां तक जा रही है, माइनस वन से वन के बीच में जा रही है, तो सारी वैल्यू उसके लिए साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स का रेंज हम निकाल ही चुके कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू के बीच में, प्लस पाई बाय टू, ठीक है। दूसरी चीज ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या होगा, टू पाई, क्यों, साइन इनवर्स नॉन पीरियोडिक होता है लेकिन साइन एक्स कैसा है, पीरियोडिक। जब अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होता है तो कंपोजिट हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक होता है कि नहीं होता है, तो इस कारण से साइन इनवर्स और साइन एक्स पीरियोडिक है जिसका पीरियड होगा कितना, टू पाई, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दो कि अगर वो बोलता है कि y इक्वल्स टू f इनवर्स x, मतलब y एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पे फंक्शन की वैल्यू x है, तो अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, मतलब साइन ऑफ y विल बी इक्वल्स टू साइन x, तो y will be equals to trigonometric equation याद है ना, sin theta cos alpha, that will be equals to n pi plus minus 1 की power n alpha, really? So why is n pi plus minus 1 to the power n alpha, alpha की जगह basically क्या हो जाएगा, x, ठीक है। अब जरा देखो ये equation जो है वो बेसिकली y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, जहां पे m की वैल्यू माइनस वन की पावर n है और c जो है वो n पाई है। अब n जहां पे n क्या है, इंटीजर है, तो n की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखो माइनस वन की पावर n हमेशा प्लस वन या माइनस वन आएगा, और प्लस वन और माइनस वन आएगा तो इसका मतलब ऑल द लाइंस विल बी ऑफ स्लोप प्लस वन एंड माइनस वन, मतलब x और y का रिलेशन जो वो लीनियर है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, लाइन, लेकिन बहुत सारी लाइंस बन रही हैं, n की हर एक वैल्यू के लिए एक अलग लाइन आ रही है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे जितनी भी लाइंस है, वी आर गेटिंग अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ स्लोप वन एंड वी आर गेटिंग अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ स्लोप माइनस वन, ठीक है। तो अब हम लोग उनको प्लॉट करते हैं, लेकिन ध्यान देना कि हमारा y क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू y और यहाँ पे x, ठीक है, तो y क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो मैं किसी भी लाइन का वही पार्ट लूंगा जो y इक्वल्स टू पाई बाई टू से y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू के बीच में होगा। तो जब हम ग्राफ बनाने जाते हैं तो लेट से ये हो गई हमारी x, ठीक है, ये हो गई हमारी y, ठीक है। ये आपका पाई बाय टू, ये हो गया आपका माइनस वन, ठीक है। अब सबसे पहले देखो एन की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूं, ठीक है, एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए, एन इक्वल्स टू जीरो के लिए वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एक्स, n इक्वल्स टू वन के लिए कितना आ रहा है, n इक्वल्स टू वन के लिए y कम्स आउट टू बी पाई माइनस, n इक्वल्स टू माइनस वन के लिए y कितना आ रहा है, माइनस पाई माइनस x, ठीक है। तो देखो लाइंस बनी, तो मैं लाइंस बनाने की कोशिश करता हूं, लाइन बनाते हैं, तो ये पहली लाइन, ठीक है, y इक्वल्स टू x, फिर दूसरी लाइन, दूसरी लाइन बनाए, दूसरी लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू पाई माइनस x, ये देख रहे हो कि ये माइनस वन स्लोप की लाइन, फिर दूसरी लाइन भी आप देखिए, तो ये देखो इन दोनों का स्लोप कितना, माइनस वन,
और इसका स्लोप कितना 1, ठीक है। ये लाइंस हैं कौन कौन सी वो भी लिख देते हैं हम लोग, उससे समझने में दिक्कत ना है। ये लाइन थी y इक्वल्स टू x, ये लाइन थी y इक्वल्स टू पाई माइनस x, और यही लाइन थी y इक्वल्स टू x माइनस y। अब लेकिन देखो जरा ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट क्या करेंगे, जब x इक्वल्स टू पाई माइनस x मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा पाई बाई टू, ये भी होगा पाई बाई टू। देखो इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में अगर तुम माइनस पाई बाई टू रख लो तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जरा देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है पाई, ये था जीरो, ये वाला पॉइंट देखो ये कितना आ रहा है पाई, और ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये आता है आपका माइनस पाई बाई, ठीक है। तो अब इसमें से हमें सिर्फ वही वही, इसमें से हमें सिर्फ वही लाइन्स का पार्ट लेना है जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मतलब इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे वाला पार्ट हमें लेना ही नहीं। तो मैं उस लाइन के पार्ट को अलग से बनाता हूँ, ठीक है, विथ डिफरेंट कलर। सर वो माइनस एक्स माइनस पाई ना, माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है। ये एक लाइन, सिर्फ ये यहां तक लूंगा, इस तक ये वाला जो है देख रहे ब्लू वाला गया, और देख रहे हो माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक, ये कितने इंटरवल में ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया माइनस पाई से पाई कितना हो गया, दिस इज 2 पाई, और फंक्शन का पीरियड कितना था 2 पाई। इसका मतलब यही ग्राफ बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है, यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा। तो इस कारण से साइन इनवर्स और साइन एक्स का जो ग्राफ है, साइन वर्स और साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो इसी ही तरह का जिगजैग ग्राफ बनता जाएगा, ऐसे ये का पूरा ऐसे यही ग्राफ आपका बार बार रिपीट होता है। तो आपको पूरा ग्राफ याद नहीं रखना, ये पीरियडिक है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप या तो 0 से 2 पाई का ग्राफ याद रखो, या फिर आप सिंपल माइनस पाई से लेके प्लस पाई का ग्राफ याद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, या फिर 0 से 2 पाई, ये 0 है तो ये कितना होगा 2 पाई। देखो अगर इसके आगे ग्राफ कैसे रिपीट होगा, 0 पाई 2 पाई, फिर 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई इसका देखो क्या हो जाएगा 4 पाई, हाईलाइट करता हूं, 0 पाई 2 पाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई 5 पाई 6 पाई। मतलब जो ग्राफ 0 से 2 पाई बनेगा वही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई बनेगा, वही ग्राफ आपका 4 पाई से 6 पाई बनेगा, वही ग्राफ आपका 6 पाई टू 8 पाई बनेगा। तो मतलब देख रहे हो कि जितने भी पाई के ऑड मल्टीपल्स आएंगे उन सब, वो सब इस पॉइंट पे आएंगे, और इवन मल्टीपल्स इस पॉइंट पे आएंगे। तो अब आपको y क्या था, अब जरा ऑब्जर्व करो कि y क्या था, व्हाट वाज y, y वाज साइन इनवर्स ऑफ, साइन वर्स ऑफ साइन एक्स में तो टाइम लगेगा, उसके बाद फिर बाकी सब अपने आप होते थे। वाई वॉज साइन वर्स ऑफ साइन एक्स, लेकिन वाई जो है वो जब सिंप्लीफाई होकर क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है,
देख रहे हो ये वाला पॉइंट क्या था माइनस पाई बाई टू, ये वाला पॉइंट क्या था पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की लाइन क्या थी वाई इक्वल टू एक्स। तो याद करो साइन वर्स ऑफ साइन एक्स वॉज इक्वल टू एक्स वेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। मतलब एक तरह से करना क्या है, जिस इंटरवल में आपको चाहिए उस इंटरवल में लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये लाइन की इक्वेशन की थी y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, ये लाइन कौन सी थी y इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस एक्स। लेकिन कैसे याद रखते रहेंगे, नहीं याद मत रखो, क्यों, आप सिंपल देखो कि x इसको कहाँ कट कर रही है, यहाँ भी x को कट कर रही है, वो पाई का कोई मल्टीपल होगा तो कैसा मल्टीपल है, कौन है, ऑड मल्टीपल सारे हमेशा यहाँ आएंगे और इवन मल्टीपल यहाँ और यहाँ आएंगे। ठीक है, जो भी लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, देख रहे हो कि जो अगर आप यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज कर, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, जितनी भी इतनी लाइंस होंगी उन सब के स्लोप जो होंगे वो होंगे वन, और जो ऐसी वाली लाइन, जो ऐसी लाइन है स्लोप वन, और जो ऐसी लाइन का स्लोप क्या होंगे माइनस वन। ठीक है, तो इस कारण से आपको सिंपल करना क्या है, आपको सिंपल से ये करना है कि ये से ऑब्जर्व करना कि लाइन उस रीजन में लाइन ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी तो वन, ऐसी बनेगी तो माइनस वन, किस पॉइंट से पास करेगा वो मालूम चल गया आपको, और आप उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अब देखो कि ये पाई माइनस सब ये नहीं पता ना, तो ये बताओ कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट टू पाई कॉमा जीरो, ऐसे जा रहा है तो स्लोप क्या होगा वन, तो वन स्लोप की लाइन तो वाई माइनस जीरो इक्वल टू वन इंटू टू पाई माइनस एक्स हो गए। एक्स माइनस टू पाई इक्वेशन क्या गई, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू पाई आ गया अपने, आपको ये वाली लाइन चाहिए, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा थ्री पाई, स्लोप कितना माइनस वन, तो थ्री पाई कॉमा जीरो से पास करने वाली लाइन बताओ क्या हो जाएगा, वाई माइनस जीरो इक्वल्स टू माइनस वन एक्स माइनस थ्री पाई। तो इस कारण से वाई जो होगा वो आपका थ्री पाई माइनस एक्स आ जाएगा, मतलब ये वाली लाइन जो होगी वाई इक्वल्स टू थ्री पाई माइनस एक्स है, मतलब ये वाली लाइन जहां जहां पे बन रही है वहां पे साइन वर्स साइन एक्स इसके बराबर आएगा। समझ आया, ठीक है, तो मतलब हर जगह आपको करना क्या है, सिर्फ क्या निकालना है कि लाइन की इक्वेशन क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पीछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री, थ्री रेडियन, थ्री रेडियन कहाँ आएगा, थ्री रेडियन हम चलो ग्राफ पे जाते हैं। ठीक है, ग्राफ पे जाएंगे तो ये देखो ये थ्री पाई कितना होता है 3.14, तो थ्री होगा यहाँ पे ना, थ्री अगर यहाँ होगा तो थ्री के लिए लाइन की इक्वेशन कौन है वाई इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, लेकिन एक्स कौन है थ्री, तो इस कारण से बताओ थ्री पे साइन वर्स साइन एक्स कितना आएगा पाई माइनस थ्री आएगा। तो देखो जरा जो पिछले हमने आंसर निकाला था कितना आया था पाई माइनस थ्री आया था ना, अब मान लो साइन वर्स साइन टू निकालना है तो बताओ टू कहाँ आएगा, देखो पाई बाई टू कितना 1.57 के आसपास, तो टू यहाँ कहीं आएगा, तो टू यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पे एक्स अगर टू लाइन की इक्वेशन ये है, यहाँ पे एक्स अगर टू रख दो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू कितना आ जाएगा दैट विल बी पाई माइनस टू। ठीक है, समझ में आएगा, हाँ सर, हाँ किसी ओके आर्यन ने मुझसे पूछा है कि पीरियड ऑफ टू पाई जो आया वो साइनस की वजह से आया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन साइनस पीरियडिक है, बाहर वाला फंक्शन साइनवर्स पीरियडिक नहीं है, तो कभी कंपोजिट पे अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक होता है तो पूरा फंक्शन पीरियडिक हो जाता है। ठीक है, भले ही बाहर वाला फंक्शन पीरियडिक हो या ना हो, तो इस तरह से साइनवर्स और साइन टू कितना हो गया पाई माइनस टू। तो आपको अब मैं किसी भी पॉइंट पे बोलूं, ठीक है, आपको बस वहां पे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक्स दे रखा था एक्स रख देना है वैल्यू आ गई, तो आपको कुछ सिर्फ क्या याद रख, आपको थोड़ा सा अगर ये बस इतना अगर आपको समझ में आ गया कुछ याद रखना ही नहीं है, जो करना उस टाइम पे निकाल लेंगे चाहे कितना भी हो। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक्स में क्वेश्चन जो आएंगे उसका टाइप वन, टाइप वन आता है कि साइन इनवर्स और साइन एक्स की वैल्यू बताओ जब आपको इंटरवल दे रखा है, जैसे इंटरवल मान लो मैंने आपको दे दिया कितना लेट्स से 51 पाई बाय 49 बोलो कि
जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 13 पाई बाय 2 से लेके 15 पाई बाय 2 अगर x इस इंटरवल में है तो बताओ साइन वर्स साइन x क्या होगा। तो देख रहा हूँ ये इंटरवल आ गया। अब ये इंटरवल का लेंथ कितना है? 5। तो हम लोग इसमें इसका ग्राफ देखना चाहेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, सिर्फ क्या याद रखो, ये एक zigzag, ठीक है? बताओ इस इंटरवल में कौन सा पाई का मल्टीपल आ रहा है, बीच में कौन आएगा? 7 पाई। 7 पाई कैसा है? ऑड मल्टीपल, तो 7 पाई यहाँ होगा, मतलब 7 पाई पे ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है? तो ये 0.7π, 0 और ये स्लोप कितना? -1। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y-0 = -1 x - 7π। तो ये आपका हो जाएगा 7π - x। तो इस कारण से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज 7π - x फॉर ऑल एक्स बिटवीन 13π/2 to 15π/2। तो मैं ठीक है, जैसे इसी तरह के मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूँ, ट्राई करिए। आपका एक इंटरवल है 33π/2 से लेके 35π/2, ठीक है? दूसरा इंटरवल है -57π/2 से लेके -55π/2। इस इंटरवल में साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा ये आपको मुझे बताना है, ठीक है? समझ में आया सबको? ये क्या करना है सबको? जैसे अभी वाला क्वेश्चन बताया था उसके हिसाब से देखो कि इसका आंसर 17π - x आना चाहिए और इसका आंसर क्या आना चाहिए? 28π + x। तो आपको हर जगह से क्या निकालना, लाइन की इक्वेशन रख देना, ठीक है? ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है? मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कहीं और से थ्योरी नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये बता रहा, ध्यान रखो सबसे सुकून में सबसे आराम से रहोगे, ठीक है? अगले, अब आता है टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं? टाइप 2 के क्वेश्चन होते हैं ये जो भी करा वही होते हैं, बस उसमें क्या होता है वैल्यू देते हैं, लेकिन वैल्यू थोड़ी उठपटांग होती है। और वैल्यू देने के तरीके 2 होते हैं। एक होता है आपका, ऐसे बोल दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 रेडियन बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 रेडियन बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 15 रेडियन बताओ, ठीक है? लेट्स से साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 रेडियन बताओ, इनकी वैल्यूज हमें बतानी है, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं करना, बस हमें अंदाजा लगाना है कि 8 कहाँ होगा और जहां 8 होगा उसके हिसाब से हमें ग्राफ निकाल लेना है। 8 जरा देखो कितना होता है, रफली कैलकुलेशन, पाई कितना होता है? 3.14, ठीक है? और 5/2 कितना होता है? 1.57। तो 8 जो होगा 3 पाई कितना हो जाएगा? 9.42। तो 8 जो होगा, 8 दैट विल बी ग्रेटर देन 3π - π/2, मतलब 5π/2। 5/2 1.57, इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 और 7.85 के आसपास आएगा। तो मतलब 8 3π/2 से बड़ा है और 7π/2 और साथ में 3π से छोटा है ना? तो आपको इस इंटरवल में निकालना है। तो इस इंटरवल में अगर ध्यान करो 3π का ऑड मल्टीपल है, पाई का ऑड मल्टीपल कहाँ आता है? यहाँ आता है। तो ये होगा 3π, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा? 5π/2। तो हमारा 8 जो होगा वो यहाँ कहीं आएगा। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, लाइन का स्लोप कितना? -1। तो y-0 = -1 x - 3π, तो आंसर हो जाएगा कितना? 3π - x। लेकिन x कितना दे रखा हमें? 8। इस कारण से इसकी वैल्यू होगी 3π - 8। दिस इज द वैल्यू, समझ में सबको ये, ठीक है? तो इसका आंसर कितना होगा? 3π - 8। तो इसी तरह से ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन और दिए हैं, मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर निकाल के बताओ, ठीक है? तो हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर आए 3π - 10, 5π - 15, 5 - 2π।
ये तो ये आप लोगों से बन गया सबको क्लियर है कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये हो गया टाइप टू। टाइप टू में जब साइन वर्स और साइन एट या रेडियन ऐसे दे दिया जाए, लेकिन कई बार ये जो एंगल दिया जाता है फिक्स एंगल, ये ऐसा ना देख के पाई के टर्म्स पे दे दिया जाता है, तो दैट मेक्स द क्वेश्चन मोर इजी है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 33 पाई बाय 7। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री में एक बड़े एंगल को एक छोटे एंगल में चेंज करते थे, बस वही करना। कैसे? आप इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो पाई पाई माइनस 2 पाई बाय 7 है ना। अच्छा ध्यान देना कि कोशिश करना कि आप बड़े एंगल को हमेशा क्या लिखो, पाई का मल्टीपल इनटू सॉरी पाई का मल्टीपल प्लस या माइनस एनीथिंग, बट एनीथिंग शुड बी एक्यूट। एनीथिंग को क्या रखो? एक्यूट। ठीक है, तो 5 पाई माइनस 2 पावर 7, तो बताओ साइन 5 पाई माइनस 2 पावर 7 क्या होगा? साइन ऑफ 2 पाई बाय 7। ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई बाय 7। अब 2 पाई बाय 7 देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आता है, 2 पाई बाय 7 पाई बाय 2 से छोटा है और माइनस पाई बाय 2 से बड़ा है, तो इस कारण से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए साइन वर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स। आंसर आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय। ठीक है, समझाया? तो इसी तरह से अगर बोलूं कि फाइंड साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू 35 पाई बाय 4, इफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 63 पाई बाय 5, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 71 पाई बाय 3। बताओ भाई इनके लिए एंगल क्या है? तो इसके लिए साइन वर्स साइन एक्स क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर पाई बाय 4, इसका आंसर माइनस 2 पाई बाय 5 और इसका आंसर माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो इन एंगल्स के लिए साइन वर्स साइन एक्स लिया है। तो साइन वर्स साइन एक्स के क्वेश्चन किए जा रहे किस तरह के आएंगे? ब्रॉडली किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? तीन, या तो पाई में देंगे या रेडियन में देंगे या फिर पूरा इंटरवल में डेफिनेशन पूछेंगे। ठीक है, अब अगर इंटरवल बड़ा दे दिया तो एक तो बड़ा इंटरवल में एक ही लाइन से काम नहीं चलेगा, कई लाइन रहेंगी तो ब्रेक करके लिखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना, यहाँ से लिख के यहाँ तक के लिए। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से जैसे हमने साइन इनवर्स की बात करी उसी तरह से हम लोग अब बात करते हैं किसके लिए, लेट्स टॉक अबाउट कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स में भी ध्यान देना कि क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे, बस उसमें ग्राफ किसका यूज होगा? कॉस का। तो अब हम लोग बात करना है वाई कॉस कॉस इनवर्स ऑफ cos x। यहाँ पे x कैन बी एनी रियल नंबर, ये क्या हो गया आपका डोमेन। दूसरा यहाँ पर रेंज निकालो, क्योंकि तो y जो है cos इनवर्स के बराबर है तो रेंज वही रखना है, तो कितना आएगा? जीरो से लेके ठीक है। इसका देखो पीरियोडिक है ये, ठीक है, पीरियडिक है क्योंकि अंदर वाला फंक्शन क्या है? पीरियड। और उसका पीरियड कितना है? 2 पर। तो फंक्शन का पीरियड कितना हो गया? 2 पर। ये फंक्शन कैसा है? इवन है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी फंक्शन जो भी हो अगर अंदर वाला फंक्शन इवन है तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन। क्लियर है? तो इस कारण से y cos to cos inverse of cos x कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे cos of y should be equal to cos of x। तो y का सॉल्यूशन आता है 2n pi plus minus x। ठीक है, तो y की वैल्यू 2n pi plus minus x। देख रहे हो कि यहाँ पे अगेन क्योंकि रेंज 0 से पाई है तो y की वैल्यू 0 से पाई हुई, तो इस कारण से हम जो भी एक लाइंस बनाएंगे
वो सारे की सारी लाइंस में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उन सब लाइंस में ध्यान देना कि ऑल दोज लाइंस विल बी ऑल्सो प्लस वन एंड माइनस वन, एंड वी विल टेक ओनली दैट पार्ट ऑफ द लाइन वेयर द लाइन लाइज बिटवीन जीरो एंड माइनस। ठीक है, देखो तो अगर n की वैल्यू में क्या रखता हूँ, if I put n equals to zero, then what will happen? तो आपको एक लाइन मिल रही है y equals to x, और एक लाइन आपको मिल रही है y equals to minus x, n का जीरो। अच्छा यहाँ पे लेकिन हमें सिर्फ इंटरवल कौन सा यूज करना, जीरो से टू पाई, तो इस कारण से ये जीरो हो गया, ये हो गया फाइव, ये लाइन था वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये भी कितना आएगा फाइव। इसी तरह से जरा देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स में ये वाला जो लाइन है दूसरा लाइन, वो दूसरा लाइन क्या होगा वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये फाइव कब आएगा माइनस फाइव। ये इंटरवल देखो, ये इंटरवल का लेंथ कितना होगा, इंटरवल ऑफ दिस लेंथ इज टू पाई। ठीक है, तो इसका पीरियड भी टू पाई था, मतलब यही ग्राफ बार बार क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा, यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, इस कारण से आप ग्राफ कौन सा लेंगे सर, ये ठीक है, तो यहां पे माइनस पाई से पाई टू पाई का लेंथ आ गया, तो आगे भी ग्राफ जो होगा वो यही रिपीट होगा ऐसे, जीरो माइनस फाइव फाइव। इधर देखो कि ये वाला पॉइंट कौन से होंगे जहां पे ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा, दिस पॉइंट वाई प्लस टू एक्स जीरो फाइव, तो ये आ जाएगा आपका टू पर। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा तो ये हो जाएगा माइनस टू पर। इस तरह का ग्राफ आपका बनता है वाई प्लस टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। ठीक है, तो अब अलग आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रहेगा बाकी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कैसे, हाँ जी साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, वो ग्राफ बनाने को हम लोग बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अरेंजमेंट ही रहेगा। अभी हम थोड़ा प्रॉपर्टीज अभी आगे और पढ़ेंगे ना, उसका वो एडजस्टमेंट सब आराम से होने लगेगा। हाँ। ठीक है, तो ग्राफ सबको क्लियर है सर, क्या ग्राफ बनेगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, फिर वही फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, जब एक्स जो है वो है कहां से कहां तक, लेट से सिक्स पाई से सेवन, सिक्स पाई से सेवन पाई के बीच में कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है, तो क्या करना है, सिर्फ वही ग्राफ ध्यान रखना है, ग्राफ ये होगा, इसका स्लोप वन इसका स्लोप माइनस वन, तो जीरो पाई टू पाई, तो सिक्स पाई टू सेवन पाई, तो सेवन पाई कहां आएगा, ये होगा सिक्स पाई, ये लाइन चाहिए, ये लाइन का स्लोप क्या है वन, और कहां से पास कर रहा है सिक्स पाई कॉमा जीरो से,
तो वन स्लोप की लाइन 6π, 0 से क्या लिखोगे? सिंपल सा है, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 6π। तो ये y की वैल्यू हो जाती है x माइनस 6π। ठीक है, तो फॉर cos इनवर्स ऑफ cos x x माइनस 6π। ठीक है, मैं ऐसे अलग अलग इंटरवल दे सकते हैं जिसमें आपको ये निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। लेट्स से cos इनवर्स cos x बताओ, जब x की वैल्यू 19π से लेके 20π हो, x की वैल्यू 36π से 37π हो, ठीक है, और x की वैल्यू माइनस 53π से लेके माइनस 54π, ठीक है। फर्स्ट का 20π निकालो एक सेकंड। तो देख रहे हो, तो 19π से 20π के लिए आंसर 20π माइनस x, 36π से 37π के लिए x माइनस 36π, और यहां से लेके यहां तक भी, ठीक है। यही दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ व्हाट cos inverse of cos of let's say 8 radian बताओ, cos inverse of cos of 12 radian बताओ, cos inverse of cos of 20 radian बताओ क्या आएगा। तो सिंपल आपको सिर्फ वही करना है, 8 radian कर लीजिए, क्योंकि एवरेज निकालना कि किन दो पाई के मल्टीपल के, देखिए cos के में किन दो पाई के मल्टीपल, ठीक है। बताओ 3π कितना हो जाएगा, 3.14 × 3 9.42। तो ये आपका जो रहेगा वो 2π से 3π के बीच में आएगा। तो 2π से लेके 3π के लिए, 2π से लेके 3π का ऐसा बनेगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो x माइनस 2π आएगा। तो x कितना है 8 माइनस 2π, तो 2π से 3π के लिए x माइनस 2π आता है, और x कितना है 8। इससे 12 की बात करो, 12 की बात करोगे तो देखो 4/4π, तो 4π कितना हो जाएगा, तो ये 4π से छोटा होगा, लेकिन ये जो रहेगा ये 3π से बड़ा होगा। तो 4π से 3π में ध्यान करो कौन सा होगा, ये यहाँ पे 3π आएगा, ये 4π स्लोप माइनस 1, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 1 x माइनस 4π। तो ये आपका 4π माइनस x बनेगा, 4π माइनस x, x कितना है 12, आंसर हो जाएगा 4π माइनस 12। cos इनवर्स ऑफ cos 20, cos इनवर्स ऑफ cos 20 देखो तो 3.14 इनटू 6 6/24 42 6 × 6 = 18 18.1। होगा तो ये 6π से 7π के बीच में आएगा, तो 6π से 7π, तो ये होगा 6π, ये होगा 7π, स्लोप होगा 1। तो इक्वेशन जो बनेगी वो x माइनस 6π बनेगा, लेकिन x कितना है यहाँ पे 20, आंसर हो जाएगा 20 माइनस 6π। तो दीज आर द आंसर्स, समझ में आया सबको, ये आया ना? हाँ सर। ओके, तो ये हो गए टाइप 2 वाले। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं टाइप 3 में, टाइप 3 वाले क्वेश्चन कैसे हैं कि बताओ भाई cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 45 π/7 क्या होगा, ठीक है। आप बताओ cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 83 π/5 क्या होगा। आप बताओ कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 103 π/3 क्या होगा, ठीक है।
देखो तो अब सिंपल फिर क्या करना है, अगेन इसको वही फॉर्म में लाना है। कौन से फॉर्म में लाना है? यू हैव टू ऑलवेज, छोटा आसान रहेगा अगर ये स्पेसिफिकली आप ये करो, एक्यूट एंगल करो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज ऑलवेज राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 2n π प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। वहां पे क्या चलता था साइन में, एन पाई प्लस में थी, यहाँ पे ध्यान रखना 2n π प्लस थीटा पे रखना है, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप चाहो तो थीटा को हम जो एक्यूट बोलते हैं आप उसे 0 से π में रख सकते हो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे आप इसको क्या लिखो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 45π/7, तो 45π/7 को आप क्या लिख सकते हो, 6π प्लस 3π/7 लिख सकते हैं। नाउ कॉस ऑफ 6π प्लस 3π/7 विल बी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3π/7, और 3π/7 जीरो से पाई में आता है, इस कारण से जीरो से पाई के लिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है, तो ये आपका आंसर 3π/7। मैं 83π/5 में क्या होगा, 83π/5 में 16π क्या लिखेंगे, 16 15 16 15 80, तो इसे लिखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 16π प्लस 3π/5। अब ध्यान दो यहाँ 16π प्लस 3π/5, ये मैंने जो लिखा वो एंगल 5/2 से बड़ा है, चलेगा, कॉस में दिक्कत नहीं, कॉस में एंगल 0 से पाई में ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3π/5, और ये लाई कर रहा है किसमें, 0 से पाई में, जिसका आंसर 3π/5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 103π/5, देखो कितना हो जाएगा, 34 + π/3 + π/3 = cos 34 + π/3 = cos inverse of cos 5/3 तो ये आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाते हैं। तो एक cos inverse का समझ में आया सबको? हाँ सर, हाँ सर। अब आ जाते हैं हम लोग अपना लास्ट वाला, कौन सा, y = tan inverse 10। ये और भी आसान है, क्यों ये और आसान क्यों है, क्योंकि इसका डोमेन सबसे पहले, तो डोमेन क्या होगा, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, रेंज रेंज विल बी ओपन माइनस π/2 से प्लस π/2, ये भी पीरियडिक होगा। ठीक है, ये पीरियडिक होगा, पीरियड कितना होगा, पाई, क्योंकि टेन का पीरियड ही पाई होगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे इससे क्या होगा, टेन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस एक्स आ जाता है, मतलब यहाँ पे जितनी भी लाइन्स बनेंगे सबका स्लोप क्या होगा, 1। अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा तो टेंशन नहीं लेने की बात है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, तो अब ये तो tan वर्सेस tan x माइनस π/2 से π/2 के लिए क्या बोला था, n की वैल्यू 0 रख दूं, n की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या मिलेगा, y = x मिलेगा, तो ये हमने y = x बना दिया। ठीक है, y = x जब बन गया तो ये देखो ये वाली वैल्यू ये हुआ π/2, ये हो गया -π/2, यहां पे इस पे हम लोग
ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, एन इक्वल जीरो पे वाई इक्वल टू। तो पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है, माइनस पाई बाई टू भी इंक्लूड नहीं है। लेकिन अब ऑब्जर्व करो, ये इंटरवल, ये इंटरवल कितना हो गया? व्हाट इज दिस इंटरवल? पाई। दिस इंटरवल इज पाई। मतलब अब हर इंटरवल में आपकी यही लाइन बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। तो बस मतलब और सारी लाइंस का स्लोप कितना आएगा? सारी लाइंस का स्लोप वन ही आएगा। वन आएगा। ये ऐसे, तो यहाँ से ऐसे। तो आपको उतना ज्यादा याद रखना नहीं है, सिंपल सा क्या करना है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ये जीरो, ये कौन सा है पाई, ये कौन है माइनस पाई। ऑल लाइंस विल बी ऑफ स्लोप व्हाट? वन। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये वाला जो मेन लाइन है ना, माइनस पाई बाई टू पाई, बस ये ध्यान रखना। तो इतना ग्राफ याद रखो तो सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। जैसे वही सारे क्वेश्चन जो अपने साइन और कॉस में कर लेते, वही सेम के सेम। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ फिफ्टीन मेरिडियन बताओ। ठीक है, तो फिर से वही कंपोजिशन थोड़ा सा पता करना है कि कहाँ पे लाई करेगा, पाई का कौन सा मल्टीपल सबसे पास में। तो 15 के सबसे पास में पाई का मल्टीपल कौन सा आएगा? 5 पर पाई होता है 3.14। हाँ, तो 3 जो 5 पाई सबसे पास में होगा, पाई पाई सबसे पास में होगा, तो इसका मतलब पाई पाई के नेबरहुड में लाइन ऐसी बनेगी। ये है आपका पाई पाई। ठीक है, तो 15 जो होगा पाई पाई से थोड़ा छोटा होगा, तो ये 15 होगा। तो आपको ये लाइन चाहिए, लाइन का स्लोप है 1। तो y माइनस जीरो इक्वल टू वन टाइम्स x माइनस फाइव पाई, x माइनस फाइव पाई आ जाएगा। x कितना दे रखा है? 15। कौन सा? 15 माइनस फाइव पाई। तो 10 वर्स ऑफ 10 15, 10 वर्स ऑफ 10 15 इज इक्वल टू 15 माइनस। ठीक है, अगर तुम इसी तरह से बोल दो y इक्वल टू 10 वर्स ऑफ 10 ऑफ 72 पाई बाय 7, ये क्या होगा? अगेन ऐसे वही जैसे साइन में करते थे वैसे करें। तो साइन जैसे क्या करता था? 10 पाई प्लस 10 पाई प्लस 2 पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, पाई प्लस 2 पाई बाय 7, 10 ऑफ 72 है ना। तो 10 पाई प्लस 2 पाई बाय 7, तो 10 ऑफ 10 पाई प्लस 2 पाई 7 विल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और आगे क्या है? 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स ऑफ ये हो गया 10 ऑफ 2 पाई बाय 7, 10 ऑफ 2 पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, इसका आंसर ही 2 पाई बाय 7। ठीक है, मैं इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 23 पाई बाई टू से लेके 25 पाई बाई टू के लिए 10 वर्स 10 एक्स क्या होगा? व्हाट विल 10 वर्स और 10 एक्स फॉर 23 पाई बाई टू टू 25 पाई बाई टू? ध्यान देना कि 10 वर्स का कोई भी आंसर में x के सामने प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। x, हाँ, x माइनस 12 पाई, इसके बीच में कौन आ रहा है? 12 पाई, 12 पाई आ रहा है। तो लाइन जो होगी वो ऐसी बनेगी, ये होगा 12 पाई, 12 पाई का स्लोप 1 है। तो y माइनस 0 इक्वल टू 1 टाइम x माइनस 12 पाई, तो y विल बी इक्वल टू x माइनस 12 पाई। राइट आंसर इज x माइनस 12। समझ सकते? हाँ हाँ सर। ये
तो ये हमारा सबक इससे हम लोग जो हमने यहाँ स्टार्ट करा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हमेशा एक्स नहीं होता, टेन वर्स ऑफ टेन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता, लेकिन बाकी जगह क्या होगा वो निकालना समझ में आ गया। हाँ, ये वाली जो पार्ट था कौन सा, इससे पहले साइन और साइन वर्स एक्स कॉस ये सबके सब क्या होंगे एक्स, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको बस समझ में आ गई तो आगे जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब आपको, ठीक है, क्योंकि हर जगह खेल घूम फिर के ही आने वाला है, ठीक है, हर जगह खेल घूम फिर के ही आने वाला है, क्योंकि ये जो है वो x पे डिपेंड करेगा। अब x कुछ और होगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा, x कुछ और होगा तो आंसर कुछ और होगा। तो साइन कॉस टेन में कैसे करते हैं ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ये सबको यहाँ तक। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। तक अपनी कल सुबह क्लास है ना शायद? हाँ सर। कल सुबह हम लोग इसमें और आगे बात करेंगे, ठीक है। इसका वीडियो मैं आपको अभी कर रहा हूँ, ठीक है।